बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आपको थोड़ा सा ये कहूँगा कि आप नहीं चाहेंगे कि अल्लाह ताला आप पे रहमत कर भेजे। अल्लाह ताला अपनी रहमत, जिस पे अल्लाह अपनी रहमत भेजे उसके तो सारे मामला ही ठीक हो जाते हैं। अल्लाह की रहमत चाहते हैं कि अल्लाह ताला अपनी रहमत भेजे, तो आपको ये एक काम करना है, अल्लाह की रहमत आप पे बरसना शुरू हो जाएगी। वो एक काम ये है कि आपने कसरत से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद शरीफ, दुरूद सलाम भेजना। इसकी फजीलत क्या है सुने? इसकी फजीलत यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद शरीफ भेजता है, अल्लाह ताला उसके 10 गुनाहों को माफ़ कर देता है, 10 रहमतों का नज़ूर फरमाता है, 10 दर्जात को बुलंद फरमाता है। ये एक मरतबा पढ़ने से एक दर्जे का, जो साइज ज़मीन से लेके पहले आसमान तक एक दर्जा है। और रहमतें 10 अपना परवरदिगार, अपना अल्लाह ताला जिस शख्स के ऊपर भेजे उसकी तो आखिर दुनिया सब ज़बरदस्त हो जाती है। 10 रहमतों का नज़ूर फरमाता। और ये भी है कि जो जिसको परेशानियाँ घेर लेती है ना, अगर आका ने फरमाया, नबी पास ने फरमाया, जो कसरत से नबी पास ने दुरूद शरीफ भेजते हैं, अल्लाह उसकी परेशानियों को दूर कर देता है, उसका रिस्क अल्लाह ज़्यादा कर देता है, उसकी परेशानियाँ दूर कर देता है। और एक और है कि जो क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होना चाहता है, वो कसरत से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद शरीफ भेजे, क़यामत के दिन उतना ज़्यादा अपने नबी के करीब हो। खुद भी अपने आप को, अपने घर वालों को, अपने बच्चों को दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत डालें, उसी की महफिल करें। अल्लाह ताला खैर करे। आज से शुरू करवाएं, आज से शुरू करवाएं, आज से शुरू करवाएं। नेक अमल है, दुनिया आखिरत में फ़ायदे हैं। बाकी काम भी करते रहते हैं, जिस तरफ भी बच्चों का ध्यान करवाएं।